हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन। सब आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, वापस से लिब्रा सर्वर में कुछ इवेंट्स आया जिसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि जो भी इवेंट आता है उसको एक्सप्लेन कर दो, तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि सुबह को मैं हॉलीडे मार्केट नाम का एक इवेंट आया है सब सर्वर में, उसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इवेंट बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि पबजी मोबाइल केआर में भी ये इवेंट आया बट ओपन नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। स्टार्टिंग का 2-3 घंटा में दिक्कत पड़ता है, कुछ कुछ इवेंट ओपन नहीं होता, बट पबजी मोबाइल उसको जल्दी फिक्स कर देगा, उसके बाद आप उसको ओपन कर सकते हैं। पबजी मोबाइल केआर और ग्लोबल वर्जन में जो हॉलीडे मार्केट जो इवेंट है कम्प्लीटली सेम है। अगर आप दोनों में से कोई भी वर्जन खेलते हैं तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन कम्प्लीटली सेम है, रिवॉर्ड में भी डिफर कर सकता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या इवेंट है आज। तो लिविया सर्वर जैसे कि पता होगा सेकेंड एनिवर्सरी चल रहा है, तो एक नया लॉबी म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया गया केवल यही सर्वर के लिए। मतलब जो अरेबियन कंट्री का सर्वर है उसमें केवल ये वाला म्यूज़िक को डाला गया है और बाकी आपको सब जगह नहीं मिलेगा ये लॉबी म्यूज़िक। उसके साथ साथ इवेंट में क्लिक करेंगे तो इधर आप देख पा रहे सेकेंड एनिवर्सरी लॉगिन रिवॉर्ड भी आ चुका है। चलिए इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें देख रहे तो क्या क्या चीज़ हम लोग को मिला है। केक हम लोग को मिला है, केक का तो ऑलरेडी यूज़ में बता चुका हूँ। और देखिएगा, इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आपको लिब्रा सर्वर में जाना, अगर आप जाना चाहते हैं तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वापस से एक ही चीज़ डेली नहीं दिखा सकता ना, तो चलो मैं उसको यूज़ करते हैं। और ये हम लोग को कुछ रिवॉर्ड मिला है टाइम लिमिटेड, तो चलो इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। एक दिन के ही सही बट अप्लाई कर देते हैं। चलो ठीक है, ये कुछ हम लोग को सामान मिला है। और चलो मैं आपको इवेंट दिखा देता हूँ, तो रिकमेंडेड में क्लिक करेंगे तो इधर आप देख पा रहे हैं कहाँ गया, लकी गिफ्ट बॉक्स ड्रॉप इवेंट। तो ये ऐसे ओपन नहीं होगा क्योंकि बैन आपको पता है। और ये इवेंट मैं दिखा तो दे रहा हूँ बट इसका जो मेन रिवॉर्ड है ये इंडियन प्लेयर को उतना फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप जीत भी जाते इसका मेन रिवॉर्ड तब भी आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा। रीज़न आपको पता है कि जो मेन रिवॉर्ड है उसमें कुछ आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा जो कि इंडिया में नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है बैंड है। तो इसका जो दूसरा रिवॉर्ड अगर आपको मिल जाता है तब आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे लक्की गिफ्ट बॉक्स ड्रॉप्ड इवेंट। और ये किस्म का इवेंट जो है ऑलरेडी बहुत पहले भी हम लोग का आया है, जिसमें आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, उसका अंदर आपका कुछ लक्की ड्रॉप गिरेगा लॉबी में ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहां आप वेट करते वो लॉबी में खड़े रहिए और ऑटोमेटिकली वो टाइम के अंदर ये ड्रॉप गिरेगा, वो ड्रॉप को क्लिक करना होगा, आपको रैंडमली इसमें क्लासिक क्रेट वो सब मिलेगा। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रूल्स लिखा हुआ फ्रॉम 18/12/2020 to 22/12/2020, मतलब 4 दिन का ये इवेंट है। गिफ्ट बॉक्स विल बी ड्रॉप इन द लॉबी एवरी डे फ्रॉम 9 to 9:30। देखिए, 2 टाइम दिया गया है लॉबी में, आपको डेली 18 से लेकर 22 तारीख तक आपको लॉबी में ये वाला जो ड्रॉप है, एयर ड्रॉप, गोल्डन एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा, उसको आपको कलेक्ट करना होगा। जैसे सुबह का 9 बजे से लेकर 9:30 तक, और उसके बाद आप देख पाए फ्रॉम 18:30 to 19, मतलब 6:30 शाम से लेके 7 बजे तक, मतलब आधा घंटा का इवेंट होगा। एक दिन में 2 बार आपका आएगा ये इवेंट, और 18 से लेकर 22 तारीख तक। ठीक है, और ये टाइम के अंदर आपको एक लकी ड्रॉप या 5 लकी ड्रॉप गिरेगा। तो ये जो ड्रॉप आप देख पा रहे आधा घंटा में 5 मिलेगा, और वो 5 के अंदर कुछ भी रैंडमली गिफ्ट मिल सकता है। क्या क्या गिफ्ट मिलेगा चलो देख लेते हैं। एक दिन में 2 बार आएगा आधा आधा घंटा करके, ईच ड्रॉप लास्ट फॉर 30 मिनट्स। तो एक ड्रॉप जो भी आएगा वो 30 मिनट का उसका ड्यूरेशन होगा, एंड प्लेयर मे कलेक्ट अप टू 5 गिफ्ट बॉक्सेस। तो जितना भी गिफ्ट बॉक्स आएगा वो टाइम ड्यूरेशन का वो आधा घंटे का ही रहेगा। अगर आप आधा घंटा में उसको पिक नहीं करते तो वो हट जाएगा, ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा। और एक बार में मतलब आधा घंटा में आपको 5 एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे प्लेयर में कलेक्ट अप टू 5 गिफ्ट बॉक्सेस। तो मैक्सिमम 5 मिलेगा, उससे आपको कम भी मिल सकता है। तो इधर आप देख पा रहे थर्ड पॉइंट में लिखा है ओपन गिफ्ट बॉक्स फॉर चांस टू विन दिस इन गेम आइटम, जैसे एजी करेंसी आपको मिल सकता है, सप्लाई क्रेट कूपन स्क्रैप भी मिल सकता है, क्लासिक क्रेट कूपन स्क्रैप भी मिल सकता है, उसके साथ साथ सप्लाई क्रेट कूपन भी मिल सकता है, क्लासिक क्रेट कूपन। तो ये जो चीज़ है ये सब प्लेयर को मिलेगा, ऐसा नहीं कि इंडिया में रहते तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इन गेम रिवॉर्ड है, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है लक्की गिफ्ट रिडिम्पशन कार्ड। ये जो लक्की गिफ्ट रिडिम्पशन कार्ड है ये केवल बोल सकते हैं इंडिया के बाहर जो यूज़ करते या ये इवेंट को एक्सेस करें उन लोग को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर आप ये लक्की गिफ्ट रिडिम्पशन कार्ड भी जीत जाते तो आपको नहीं मिलने वाला, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इंडिया में बैंड है। ठीक है,
तो प्लेयर हु विन द लक्की गिफ्ट रिडीम कार्ड कैन कलेक्ट 300 USD गूगल प्ले और एप्पल स्टोर गिफ्ट कार्ड। तो जो बंदे को ये गोल्डन कार्ड मिल जाएगा तो उसको 300 US डॉलर का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, जो प्ले स्टोर में, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, नहीं तो अगर आपका ऐप स्टोर है मतलब iOS का डिवाइस है तो आपको एप्पल स्टोर में 300 USD डॉलर का आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप यूज़ कर सकते हैं उसे खरीदने के लिए या कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए जो प्ले स्टोर में मिलता है या एप्पल स्टोर में। उसके बाद आप देख पाए प्लेयर हु विन द लक्की गिफ्ट रिडीम कार्ड हैव टू कॉन्टैक्ट अस बाय द इन गेम कॉन्टैक्ट सर्विस, इन गेम कस्टमर सर्विस और बाय ईमेल बिफोर 21। तो अगर आप जीतते हैं ये गोल्डन कार्ड तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वैसे अगर आप इंडियन बंदा भी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं VPN लगा के, अगर मिल गया तो अच्छा बात है, नहीं मिला तब भी अच्छा बात है। तो इधर आप देख पा रहे, आपको अगर मिलता तो 21 जनवरी से पहले ही आपको कांटेक्ट करना होगा और आपको उसमें लिखना होगा, मैसेज जो होता है ना तो उसमें लिखना होगा #LuckyGiftBox एज द मैसेज ईमेल सब्जेक्ट, इन द मैसेज बॉडी स्पेसिफाइड विच टाइप ऑफ गिफ्ट कार्ड गूगल और एप्पल यू विल लाइक टू, द गिफ्ट कार्ड कंट्री एंड द इन गेम ID, द प्राइज विनर डज नॉट कॉन्टैक्ट कस्टमर सर्विस टू कन्फर्म द गिफ्ट कार्ड इन्फॉर्मेशन बिफोर दे विल फॉरविडन देयर राइट टू एनी प्राइज। चलो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, अगर आप बाहर से देख रहे तो आपका भी फायदा हो जाएगा। चलो ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, आपको करना ये है कि अगर आप जीतते हो वाला कार्ड तो सिंपली आपको सेटिंग में जाना है कस्टमर सर्विस, ठीक है। इधर कस्टमर सर्विस लिखना होगा, क्लिक हो जाए भाई, उसके बाद आपको इधर क्लिक करना होगा, इसमें लिखना होगा #LuckyGiftBox, ठीक है। ऐसे लिख के आपको सेंड करना होगा, उसके बाद आपका, मैं आपको बता दे रहा अभी सेंड नहीं करना, तो अगर मैं जीता नहीं तो मेरे को नहीं सेंड करना, नहीं तो मे भी आपको कुछ पेनल्टी भी लग सकता है। तो अगर आप जीते नहीं तो मत सेंड करना, क्योंकि वो जो कार्ड है स्पेशल कार्ड है वो आपके इन्वेंट्री में शो करेगा, अगर आपके इन्वेंट्री में कार्ड नहीं होगा तो पबजी मैन उसको रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, और ज़्यादा अगर आप डिस्टर्ब करेंगे ये सब लिख लिख के तो आपका जो अकाउंट है वो पेनल्टी भी लग सकता है, मतलब टेम्पोररी बैन भी लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर लक्की गिफ्ट बॉक्स लिखना हो, अगर आप जीतते हैं तो उसके साथ साथ आपको करना ही है कि आपको अपना कैरेक्टर आईडी डालना, मतलब आईडी जो है प्रोफाइल का वो डालना होगा, उसके साथ साथ आपका कौन सा प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड है कि iOS है वो लिखना होगा, उसके बाद वो लोग रिप्लाई करेगा, इवन आपका कंट्री भी देना होगा। तो कंट्री जैसे देंगे तब भी आप शायद फंस जाएंगे, तो वही मैं बोल रहा था कि अगर आप इंडिया से खेल रहे तो चांसेस कम है कि आपको मिल सकता है, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कॉर्ड में कॉन्टैक्ट कर सकते, मैं आपका हेल्प कर दूंगा, बट अगर आपको मिलेगा तभी कॉन्टैक्ट करना, नहीं तो मैं भी नहीं हेल्प करने वाला, क्योंकि मैं इन्वेंट्री आपका देखूंगा उसके बाद ही आपका हेल्प करूंगा, ठीक। देखिए प्राइस का जो रिक्वेस्ट है आप 21 जनवरी तक कर सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं, आज से लेके 21 जनवरी तक कभी भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कस्टमर सर्विस को कि आपको ये गिफ्ट देने के लिए, और आपका जो गिफ्ट है वो मार्च तक कभी भी आ सकता है। देखिए 31 मार्च 2021, मतलब और भी 3-4 महीना के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, वेरीफाई भी करना पड़ता है कि सच में आपको मिलता है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र का मेल आता है, भले वो जीते नहीं मेल जीते तब भी मेल करता है, तो अप्रूव एंड रिजेक्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए पबजी मोबाइल 3 महीना का टाइम मांगा है। तो आपको रिक्वेस्ट करना है 21 जनवरी के अंदर ही, आपका जो गिफ्ट है 21 मार्च के अंदर तक कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए नोट है वही है कि आपको कस्टमर सर्विस को कैसे कॉन्टैक्ट करना ओवरऑल बताया हुआ, और अगर आपका कंट्री में गिफ्ट कार्ड नहीं अवेलेबल है तो उसका जाएगा वही वैल्यू का, मतलब 300 USD डॉलर का ही कुछ आपको मिल जाएगा जो कि आपके कंट्री में अवेलेबल होगा। तो चलो आपको समझ में तो आ ही गया, सिंपली आपको ये टाइमिंग में आना होगा लॉबी, केवल बस लॉबी खोल के रखना है, ऐसे जो लॉबी आप देख पा रहे हैं ऐसे खोल के रखना है, और ऊपर से आपको जो लकी ड्रॉप में दिखाया गोल्डन वाला वो गिरेगा और उसको आपको कलेक्ट करना है, मैक्सिमम 5 ड्रॉप गिरेगा और 5 ड्रॉप में मैक्सिमम चांसेस है कि AG करेंसी स्क्रैप वही सब मिलेगा, और बहुत रेयरेस्ट है किसी को वो वाला गोल्डन कार्ड मिल जाएगा। गोल्डन कार्ड अगर आपको मिलता है तो 300 USD डॉलर का आपको प्ले कोड याद नहीं तो प्ले स्टोर कोड नहीं तो एप्पल स्टोर कोड मिल जाएगा, जो कि आपको कांटेक्ट करना होगा, कांटेक्ट तभी करना जब अगर आपके इन्वेंट्री में वो वाला कार्ड है, अगर कार्ड नहीं है तो मत कांटेक्ट करना, नहीं तो आपका अकाउंट भी पेनल्टी लग सकता है, मतलब टेम्पोररी बैन भी लग सकता है, ठीक है। और अगर आपको कार्ड मिलता है और आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो
तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर में, बट आपको प्रूफ दिखाना होगा कि आपके पास वो गोल्डन कार्ड है, तभी मैं आपका हेल्प करूँगा, नहीं तो नहीं हेल्प करूँगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।